Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot's Expert Truth. Always exposes darkness. So kaise hai sab log? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच विचार रखते हैं, उनका एक्चुअली में आपको कहना क्या है, उनके नजरिए से देखा जाए तो आप कैसे हैं। हर एक कार्ड का वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में हम देंगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस। आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपके पार्टनर के ऊपर होने चाहिए जिनके लिए आप देखना चाहते हैं पर्टिकुलरली। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक्स के लिए देखना चाहते हैं तो एक्स का ही सोचना। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उन्हीं का सोचना। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तभी भी आप देख सकते हो, किसी के लिए भी। सॉरी, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन कभी भी। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज गाइड करें। So we do have the thinking women. Okay, हमारे पास है door to personal healing and happiness. हमारे पास है the sun, fabulous, fab. We do have the fourth chakra archangel Raphael. ठीक है, हमारे पास है door to romance. हमारे पास है community. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और नीचे है मैन होल्डिंग अ हार्ट। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स, राइट? यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 47, दैट इज 11। यहाँ पे है 34, दैट इज 7। सो 3 इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि 333 आप ज्यादा ही देखते हैं। 11 33 11 44 हो सकता है कि आप देखते हो। 7 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 11 हो सकता है एंड 13 इज लाइक अ डेथ कार्ड, ठीक है, विच इज इंडिकेट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड दिस इज द किंग ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, लियो इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बेहद ज्यादा ही सोचते हैं। टू मच यू थिंक अबाउट, बट आपकी सोच जो है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी सोच जो है या जिस विषय पे आप कॉन्टिन्यूसली, मतलब आपके मन में चल रहा है तो चल ही रहा है और उसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। आप उनके ऊपर क्यों शक कर रहे हो? आप अपना फोकस जो है अपने काम के ऊपर क्यों लूज कर रहे हो? व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज? व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द करियर? आप प्लीज अपने जो करियर है, अपने जो स्टूडेंट लाइफ है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ठीक है, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है तो शायद आप कुछ काम कर रहे हैं, घर में भी काम कर रहे हैं, सो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप क्यों उनको ऐसा शक कर रहे हैं? उनके ऊपर आपका क्यों शक है? आपको कितना इनसिक्योरिटी गायको है? तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको वो दिलासा देना चाहते हैं, आपको वो एश्योरेंस, जैसे बोला जाता है ना कि लाइफ टाइम इंश्योरेंस, वी हैव दैट एश्योरेंस कि आपकी सारी जिंदगी जो है ये इंसान संभालने के लिए तैयार है। सो ये इंसान को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका सिर्फ रोमांटिक वाला रिश्ता नहीं है। It is not only through the romance or sex or physical relationship, but it is also through heart-to-heart conversation. It is also through soul-to-soul conversation. आपको क्यों चिंताएं होते हैं? जब भी आप किसी दूसरे को देख लेते हो उनके साथ, ये तो उनके ऑफिस के कोई लोग हो सकते हैं जिनको आपको लगता है कि नहीं, मेरे पर्सन के साथ इसका कुछ हो सकता है, because you are so insecure. इवन उनको भी ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने किसी के साथ आपको देख लिया,
सो देयर कैन ऑल्सो बी अ फीलिंग, उनको ऐसा लगता है उनके नजरियों में, नजरिए से देखा तो एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर रियली ग्रेस, यू आर हैविंग दैट, ठीक है, यू आर हैविंग दैट वाव फैक्टर, यू आर हैविंग दैट एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर द पर्सनैलिटी द अपियरेंस काफी ज्यादा गुड, इट्स गुड एज कंपेयर टू अदर्स। सो अगर आप भीड़ में भी होंगे ना तो आपके पर्सन आपको पहचान लेंगे, बिकॉज इट इज अ सोल टू सोल, दिल धड़कता है, दिल यू ही नहीं धड़कता है किसी के लिए, ये कोई क्रश नहीं है, ठीक है, ये कोई इस तरह का ऑटोमेटिकली प्यार नहीं है, हाँ क्रश फिर भी बोल सकते हैं, बट इट इज दैट सेंसिटिव लव विच आई कैन सी। यहाँ पे ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि दे आर रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है ये इंसान अपने ही बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए कहीं पे गए हैं, या ये हायर पोजीशन के लिए एम कर रहे हैं, या ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एम कर रहे हैं, उनकी नाजुक दिल से वो आपको ये कहना चाहते हैं दे आर रेडी टू गेट मैरिड विथ यू, बट मे बी रिसेंटली देयर हार्ट इज ब्रेकअप विथ सर्टन थिंग्स। हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी प्यार किसी के साथ किया करते थे बट वहां से ब्रेकअप हो गया, तो अचानक एक शॉक उनको लगा और ऑटोमेटिकली आप उनकी जिंदगी में आए, तो वो और भरोसा और नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा समय दो। बट यू हैव सीन दिस पर्सन इज कैरिंग दिस हार्ट, बट द फोर्थ चक्र द आर्कएंजल रफाएल इज अ हार्ट चक्र, सो बेसिकली दे आर ऑब्जर्विंग यू, ठीक है, वे दूर से भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इनका आंखों से वो मुझे ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट पोजीशन में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे कैन बी एन एक्टर और अ मॉडल, और दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, कुछ लोगों के लिए एक स्पीकर हो सकते हैं ये, कुछ लोगों के लिए ये इंसान पोर्ट्रेट बनाते हैं, मे बी एन आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट, कुछ लोगों के लिए इनकी जो आंखें है उसकी जो लेंस का कलर है कैन बी ब्राउन, गोल्डन ब्राउन और समथिंग लाइक दैट, कैट साइज, ये कुछ इस तरह से पहनते हैं, इनके बालों का जो स्टाइल है ये भी काफी अलग है, थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा, ठीक है, शॉर्ट से थोड़ा सा ज्यादा ये रखते हैं। एंड फॉर फीमेल आई कैन सी दे आर जैसा जहां पे ड्रेस पहनना होगा वहीं पे पहनेंगे, थिक आईब्रोज हो सकता है आपके या आपके पर्सन के, थिक आईब्रोज, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है बहुत हंसी मजाक करते हैं आपके साथ, है ना, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं नॉटी टॉक्स, ठीक है, तो ये इंसान ऐसा बोलना चाहते हैं आपको कि इतना जिंदगी को ना इतना मत सीरियसली लाया करो, ठीक है, थोड़ा सा हंसी खुशी रहा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा, अगर मुझे आपका दिल दुखाना होता तो मैं कब का ऐसा कर देता। तो यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप का ही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल, अभी मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है, अदरवाइज आई विल हैव टू प्रूफ यू, ऑब्वियसली प्रूफ करना मेरा कर्तव्य है, आप सिर्फ देखते जाइए, ओके। सो व्हाई दिस थिंकिंग वुमन, मैं हर एक कार्ड को प्लेस कर देती हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाई दिस थिंकिंग वुमन, फाइव ऑफ चैलिसेस, ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, टू ऑफ वैंड्स, द सन कार्ड, अच्छा एरीज, लियो सजिटेरियस, कैंसर, पिसेस एंड स्कॉर्पियो, टू एंड फाइव कैन बी इंपॉर्टेंट नंबर्स, व्हाई द सन कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाएल, Why this angel has come? Eight of Athens. Okay. Door to romance. Door to romance. कुछ लोगों के लिए आपके person definitely from the state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, यहाँ से है ही, या वो काम करते हैं, 100% it is like that कुछ लोगों के लिए। The CD. Door to romance में romantic chemistry. Ooh. लवली, ओके, कम्युनिटी, अच्छा दो कार्ड यहाँ पे आया,
कम्युनिटी क्यों है यहाँ पे, 13 यहाँ पे भी है, 13 वहां पे भी है। अच्छा कम्युनिटी क्यों आया, यस डेविल, ठीक है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट क्यों है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्यों है, व्हाई दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट, हु इज दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट। 9 ऑफ वैंड्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट किस प्रकार है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट किस प्रकार है। द विच, ठीक है। ओ माय गॉड, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं आपको एक्सप्लेन करना। द थिंकिंग वुमन, यहाँ पे भी एक वुमन है ऑलरेडी पोर्ट्रेड एस, चाहे जो भी हो एनर्जी फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, डज नॉट मैटर। यहाँ पे यही मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को, जैसे लगता है कि खामखा, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हैं, खास उन्हीं लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको ना एक मौका नहीं दिया, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, आप कुछ उनके बारे में कुछ गलत फहमी पाल रहे थे और बिना सोचते हुए, आप बहुत ही एक्सपर्ट है अपने प्रोफेशन में, हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, उनको ऐसा लगता है, बट आपके दिमाग में ये नहीं आया कि ये इंसान मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। आपको ऐसा किसी ने दिमाग में या कान में डाल दिया, तो उसी के हिसाब से आप चलने लगे और इसी के वजह से आप दोनों की सेपरेशन हुआ। बट अगर आप एक मौका दो, अगर आप एक बार फिर से सोचो, सो दे कैन रिकनसाइल विद यू, दैट इज अ थिंग, ठीक है। अच्छा एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से हुआ। यहाँ पे सन कार्ड के जगह पे है क्वीन ऑफ कप्स, सो दिस इज द मदर फिगर, दिस इज द फादर, ठीक है। सोल टू सोल कनेक्शन, सो बेसिकली आपके पर्सन आपको अश्योर करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू, दे वॉन्ट टू बी लाइक योर पेरेंट, दे वॉन्ट टू बी योर गार्जियन, दे वॉन्ट टू मीन्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और वाइफ हस्बैंड की लेना चाहती है, सो डेफिनेटली एक दूजे से जो कमिटमेंट होता है वो, द वाउज ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, प्रतिबद्धता जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो दोनों को एक दूसरे से मिले, इनका कामना और वासना कहीं ना कहीं पे यही है। तो दे यहाँ पे हार्ट चक्र की जगह पे एट ऑफ एथम्स है, सो बेसिकली आई डू थिंक सो कि कुछ लोगों के लिए इधर आप रिसीव, आपके पार्टनर जो है रिसीव नहीं कर पा रहे थे लव को, प्यार का जो मिठास है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं जाल पे फंसे थे। यहाँ पे मिठास जो एप्पल से आता है या कोई भी फल से आता है वो महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, या अभी भी कुछ लोगों के लिए महसूस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर ब्लाइंड राइट नाउ एंड दे आर ऑल्सो डेफ ऑल्सो राइट नाउ, ना ये सुन पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं, ना इनका दिमाग चल रहा है, ठीक है। एंड जब आपके साथ उनका कनेक्शन जुड़ गया था तो कहीं ना कहीं पे आपके, आप भी प्यार को ले सकते थे और आप प्यार को दे भी सकते थे, बट ड्यू टू सर्टेन थिंग्स, इम्बैलेंस ऑफ हार्ट चक्र, आपके पर्सन वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए और उनको उस चीज का अफसोस है। दैट्स वाई द डेथ कार्ड यहाँ पे है कि इस इंसान ने देखा कि आप उनके जिंदगी से चले गए, जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में होना चाहिए था वो अभी भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है इफ यू आर रेडी, बिकॉज द टेम्परेंस कार्ड शोज द हारमोनियस रिलेशनशिप, बैलेंस्ड रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों साइड का, एक नमक ज्यादा हो गया तो नहीं खा सकते, मीठा भी बहुत ज्यादा हो गया तो उसको मुश्किल है डाइजेस्ट करना, ज्यादा मीठा आपके ब्लड लाइन पे जाके डाइजेस्ट नहीं कर सकता खाने को, सो एवरीथिंग एक्सेस इज सो बैड, सो आपके पर्सन चाहते हैं एक्सेस सब कुछ ना हो, नॉर्मल रिलेशनशिप रहे और हेल्दी रिलेशनशिप रहे। ये हेल्दी रिलेशनशिप का यहाँ पे सफोला हार्ट, मैं कुछ ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रही हूँ बट मैं बोलना चाहती हूँ, वो सफोला हार्ट वाला ऑयल मुझे याद आ रहा है क्योंकि वहीं पे एक हार्ट है, दिल, दिल के मामले में सब लोगों को गंभीरता से ही लेने चाहिए, जो आपके पर्सन उस दौरान नहीं लिए या अभी वो ले रहे हैं। अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप में हो तो ये बहुत कुछ फैंटासाइज भी कर रहे हैं, अरे क्या हुआ हम लोग क्लोज आ गए तो थोड़ा
नॉटी हो गया एक दिन के लिए तो क्या है, क्योंकि हम तो एक दूसरे के लिए ऑलरेडी कमिटेड है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो दे वांट सम चेंज इन द एटमोसफेयर, सो वातावरण में ना कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं। एंड विद दिस कार्ड आई कैन सी दिस कार्ड इज वेरी सिमिलर जो वेरीफाई होगा अभी, जैसे आपके पर्सन को आपको लगता था कि आपके पर्सन इन सारी लड़कियों से, अगर ये मेल है, अगर ये फीमेल है सो वही है। सो बेसिकली आपके पर्सन को किसी से अटैचमेंट था, बट वो बहुत अनहेल्दी अटैचमेंट था, लेकिन वो आपको साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी के साथ उनका अटैचमेंट नहीं है, किसी के साथ उनका नाजायज रिश्ता नहीं है, किसी के साथ उनका कैजुअल फ्लिंग्स नहीं है, अफेयर्स नहीं है। सो बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है उनके सीक्रेट रिलेशनशिप ऑल ऑफ अ सडन हुआ, आपको पता है कि वो करना नहीं चाहते थे, बट उनकी प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पे ऑपोजिट जेंडर के साथ अक्सर मिलना होता है, तो वो क्या करे, उनकी पैर फिसल गया होगा। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अभी टेम्पटिंग दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। अभी सारे लड़कियों का या सारे लड़के एक साइड पर, आप एक साइड पे हो, कहीं ना कहीं भी ये एक भी चीज़ बता रहा है कि उनके ज़िंदगी में हो सकता है कुछ फाइनेंशियल डेफिसिट हो, डेफिसिट हर क्राइसिस हो ही सकता है ना, वो तो हो होगा ही कुछ ना कुछ समय में, क्योंकि लक सब समय, मतलब हर एक समय में सबको फेवर नहीं करते, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होता है, बहुत कुछ होता है। प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के बारे में, ग्रह की जो गोचर है इसके बारे में मैं रीडिंग देती हूँ, तो प्लीज़ देखा करो उसको, अगर देखोगे तो बहुत उपकार होगा आप लोगों का। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि दे आर पुटिंग देयर स्किल एफर्ट सब कुछ, जैसे कोई काम में एक्टिव नहीं है, ये इंसान काम में काफ़ी एक्टिव है और चाहते हैं अपनी पोजिशन को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना। और ये इंसान कभी भी क्विट नहीं करेंगे, इनका फाइनल है ये, कभी भी नहीं करेंगे कोई रिलेशनशिप में, 100%। ओके नाउ लेट मी सी, आपके पर्सन गुस्सा कर लेते हैं कभी कभी कुछ बातों पर, फिर शांत हो जाते हैं, कुछ एडवाइसेस। मैजिकल गेटवे, देखो इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स टू स्टे बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, यू आर फ्री टू टेक डिसीजन, क्योंकि डिसीजन लेने से आपका अगर भला होता है, अगर आप चाहते हो नहीं आपके एक्स के पास आपको रिटर्न नहीं जाना है, तो वो आपका डिसीजन होगा। अगर आपका डिसीजन अभी है, जस्ट आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, बट बाद में आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, इट इज़ वेरी ओपन। सो जो भी आपके लिए होगा बहुत ही मैजिकल होगा, ये दिखाई दे रहा है। फ्रेंडशिप से ही किसी किसी का रिश्ता आगे बढ़ा था, सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन करेंटली फ्रेंडशिप से ज़्यादा और नहीं कुछ चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम दो, हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, ठीक है, हो सकता है फ्रेंडशिप ही बाद में जाके बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करें। प्रोटेक्शन, ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है, एक्स जो है, आपके तरफ इग्नोर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि देखो मैं तो हीलर हूँ ना, मैं तो आपको सही एडवाइस ही दूंगी। किसी को अगर गुस्सा आता है तो मैं क्या करूँ बताऊँ। अभी देखो मैंने एक बात कहा और वो बात किसी को सुनना या नहीं सुनना वो तो उनके लाइफ के ऊपर है। देखो अगर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा के लिए है, हित के लिए, तो ये रिलेशनशिप 100% इट विल बी सक्सेसफुल। बट अगर आपको लग रहा है आपके पर्सन को रेड फ्लैग्स आपको दे रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड या दे आर इग्नोरिंग यू, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, और जब भी मौका मिलता है वो आ जाते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिग्नल। तो आपको जो करना है, आप रिलेशनशिप में कभी कभी चीज़ें वर्कआउट भी नहीं करते हैं, अगर आप टाइम देना चाहते हो तो दो, अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं दो, बट प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का जो है, जो आपने जैसे भी मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड